हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अध्याय के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक, धारावाही वृत्ताकार पास में चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न किस प्रकार का होता है और वह पैटर्न कब डेवलप होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए हम जानते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें प्रमुख शब्द हैं, उनका क्या अर्थ है। देखिए, यहां पर एक शब्द आया है धारावाही। धारावाही क्या होता है? कोई भी चालक तार जिसमें से विद्युत धारा गुजर रही हो। यह देखिए, यहां पर एक धारावाही चालक तार है, ये ए और बी, और इस चालक तार में से विद्युत धारा गुजर रही है। तो वह चालक तार जिसमें से विद्युत धारा गुजर रही है उसको हम कहते हैं धारावाही चालक तार। लेकिन यहां पर जो धारावाही चालक तार है वो स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, बल्कि धारावाही जो चालक तार है वह कैसा है? वृत्ताकार पास। प्रमुख शब्द आज के टॉपिक के वृत्ताकार पास, अर्थात जो धारावाही चालक है वो सीधा सरल धारावाही नहीं है, बल्कि उसको बदल दिया गया है। उसको किस तरीके से बदल दिया गया है? उसको इस तरीके से एक वृत्ताकार पास में बदल दिया गया है। वृत्ताकार जैसे व्रत होता है, ये देखिए आप, ये व्रत है, और व्रत के अंदर इस तार को यदि हम बदल करके और व्रत में परिवर्तित कर दें, अब ऐसे वृत्ताकार पास में जब हम विद्युत धारा गुजारते हैं, यदि हम इसको विद्युत धारा से जोड़ देते हैं, ये देखिए मैंने यहां पर इसको बैटरी से जोड़ दिया है, और बैटरी और स्विच से जोड़ने के बाद जब इसमें विद्युत धारा गुजरती है तो ये जो वृत्ताकार धारावाही पास है, सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर अर्थात लूप, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? लूप भी कह सकते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास एक सीधा सरल धारावाही चालक था उसकी आकृति को बदल दिया गया, और आकृति को बदलकर वृत्त के आकार में लाया गया। तो अब ऐसे वृत्ताकार धारावाही चालक तार में से जब हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, यह चुंबक बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो किस प्रकार का चुंबक बनेगा और उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, आइए इस टॉपिक को हम अध्ययन करते हैं डिटेल में। देखिए, जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि एक प्रमुख वैज्ञानिक हुए हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, इन्होंने सबसे पहले चुंबकत्व की खोज की। इन्होंने बताया कि किसी भी सीधे सरल धारावाही चालक में से जब हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो वह धारावाही चालक चुंबक बन जाता है। ये देखिए, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने क्या किया था, एक सीधा सरल धारावाही चालक लिया था ए बी, उसको उन्होंने बैटरी के सिरों से जोड़ दिया, एक सिरा बैटरी के धन ध्रुव से, दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया, और उसमें स्विच जोड़ करके जैसे ही उन्होंने करंट पास किया, ये जो धारावाही चालक था ये चुंबक बन गया। विद्युत चुंबकत्व की खोज सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ने की थी। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड को इसका श्रेय जाता है विद्युत चुंबकत्व की खोज का। उन्होंने क्या किया था, एक कार्डबोर्ड लिया था और कार्डबोर्ड में एक छेद किया,
छेद में से सीधे सरल धारावाहिक चालक को गुजारा, उस कार्डबोर्ड के ऊपर उन्होंने यहां पर एक चुंबकीय दिक्सूचक को रखा, जो चुंबकीय दिक्सूचक था उसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत कर रही थी। उसके बाद उन्होंने जैसे ही उस चालक तार को बैटरी के दोनों ध्रुवों से जोड़ करके स्विच से जोड़ के और विद्युत धारा का संचालन किया, अर्थात स्विच को ऑन किया, तो उस चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेपण आ गया, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। चुंबकीय सुई का विक्षेपण केवल तभी होता है जब उसके पास हम किसी चुंबक को ले जाते हैं, वरना स्वतंत्रता पूर्वक रखने पर चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। तो जैसे ही उन्होंने किसी एक सीधे धारावाहिक चालक से विद्युत धारा गुजारी और उस चालक तार के पास चुंबकीय दिक्सूचक को रखा, तो चुंबकीय दिक्सूचक की सुई जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत कर रही थी उसमें विक्षेपण हो गया और वह विक्षेपित होकर के दूसरी दिशा में चली गई, अर्थात उत्तर दक्षिण दिशा की ओर नहीं रही। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि ये जो एक भी चालक तार था, जब इसमें विद्युत धारा गुजारी गई तो यह चालक तार चुंबक बन गया, अर्थात विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करने लगा। और इसी को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व, क्योंकि इस चुंबक की वजह से इस दिक्सूचक की सुई में विक्षेपण हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसके पास आयरन फिलिंग अर्थात लोहे के चूर्ण को रखते हैं और फिर विद्युत धारा गुजार देते हैं चालक तार से, तो वह आयरन फिलिंग अर्थात लोहे का चूर्ण भी एक पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है, हम पढ़ चुके हैं। और वह पैटर्न कैसा था आपको याद होगा कि वो इस प्रकार से वृत्ताकार पैटर्न था, और उस वृत्ताकार पैटर्न को हमने कहा था संकेंद्री वृत्त, अर्थात ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो उसको संकेंद्री वृत्त कहते हैं। हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि सीधे सरल धारावाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो पैटर्न होता है वह संकेंद्री वृत्त के रूप में होता है, और हम यह भी जान चुके हैं कि संकेंद्री वृत्त की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। उसके लिए भी हमने मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था कि कोई भी सीधा स्ट्रेट कंडक्टर, सीधा सरल धारावाहिक चालक, उसको अगर हम राइट हैंड अर्थात सीधे हाथ में इस प्रकार से पकड़ते हैं और उंगलियों को मोड़ते हैं और अंगूठे को खींच देते हैं, तो जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है और जो हमारी उंगलियां हैं जो चालक तार की ओर लपेटी गई है वो उंगलियां हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहां देखिए, अगर मैं यहां पर इस नियम को मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अर्थात मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम इस चुंबकीय क्षेत्र में लगाता हूं तो किस प्रकार से दिशा होगी उसकी। देखिए यहां पर जो विद्युत धारा की दिशा है वो पॉजिटिव टर्मिनल, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चल के ए सिरे और ए सिरे से बी सिरे की ओर अर्थात नीचे की ओर है। यदि मुझे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है तो मुझे अंगूठे को नीचे की ओर, नीचे की दिशा की ओर करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने अंगूठे को नीचे की दिशा की ओर कर लिया, जिधर विद्युत धारा उधर अंगूठे की दिशा, तो आप मेरी उंगलियों को देख रहे होंगे किस प्रकार से लिपटी हुई है, इधर से चल के इधर जा रही है। तो मैं जब इसको यहाँ पर प्रदर्शित करता हूँ तो इस प्रकार से जा रही है ऊपर की तरफ यहाँ से और इधर नीचे की तरफ आ रही है, अर्थात जैसे दीवार घड़ी की सुई चलती है उसकी गति होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर इसकी गति हो रही है, अर्थात यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो मैक्सवेल के राइट हैंड रूल के अनुसार या कॉर्कस्क्रू रूल के अनुसार हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह यह है कि इस सीधे सरल धारावाहिक चालक को सीधा न लेकर के उसको हम वृत्ताकार रूप में बदल दें तो क्या इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न होगा, उनकी दिशा क्या होगी और इस चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। यह देखिए, यहां पर एक सीधे सरल धारावाहिक चालक को हमने वृत्ताकार पास के अंदर बदल दिया है। वृत्ताकार पास को हम सर्कुलर वायर कहते हैं,
सर्कुलर वायर, इसका एक नाम और भी है लूप, लूप भी कहते हैं। तो एक लूप के अंदर एक वृत्ताकार पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है, इसको जानने के लिए एक साधारण सी क्रियाकलाप करते हैं। हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए, ये जो मेरे पास वृत्ताकार पास है, इसको मैं एक कार्डबोर्ड के अंदर अर्थात गत्ते में फिट करता हूं। ये देखिए, यहां पर छेद करके और इस कार्डबोर्ड के अंदर, ये क्या है, यहां पर कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में हमने क्या किया, छेद करके और वृत्ताकार के दोनों किनारों को उसमें से गुजार दिया, और गुजारने के बाद हमने उसको बैटरी के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ दिया, जिसमें हमने एक स्विच की हेल्प भी ली। कि हमने जो वृत्ताकार पास बनाया है, उस वृत्ताकार पास को हम एक कार्डबोर्ड अर्थात गत्ते में छेद लगा करके फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद उसके जो दो सिरे हैं ए और बी, एक सिरे को हम बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देंगे, और जो वृत्ताकार पास का दूसरा सिरा है बी, उसको भी हम वहां पर स्विच की सहायता से बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम इन सभी उपकरणों को जोड़ देंगे और वृत्ताकार पास को गत्ते में फिट कर देंगे। इन सबको व्यवस्थित करने के बाद हमको क्या करना है, हमको एक चुंबकीय दिक्सूचक लेना है, और उस चुंबकीय दिक्सूचक को हमारे पास सर्कुलर वायर है वहां पर रख देना है। सर्कुलर वायर अर्थात वृत्ताकार पास है, उसके नजदीक रख देना है। यह देखिए, यह क्या है, चुंबकीय दिक्सूचक, चुंबकीय दिक्सूचक की जो सुई होती है वो चुंबक की भांति कार्य करती है और हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। अब हमें क्या करना है, इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे ये सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है, सबको हम आपस में सही तरीके से जोड़ देते हैं, उसके बाद हम स्विच को ऑन करेंगे। जैसे ही हम यहां पर स्विच को ऑन करते हैं, तो हमारा जो सर्किट है उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। विद्युत धारा की अगर हम दिशा को यहां पर देखें, तो बैटरी के धन ध्रुव से वह शुरू हो रही है, और इस प्रकार से वो जो हमारे पास वृत्ताकार पास है उसके ए सिरे में प्रवेश कर रही है। ए सिरे को अगर हम आगे ऑब्जर्व करते हैं, तो देखते हैं कि जो विद्युत धारा है वो यहां पर ऊपर दिशा की ओर, यह देखिए, अगर मैं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मैं उसको देख रहा हूं, मान लो मैं यहां पर उसको देख रहा हूं, तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। यह विद्युत धारा यहां से चलेगी इस प्रकार से, और जब हम राइट साइड की तरफ चलते हैं तो विद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर हो जाती है, और बी सिरे पर आएगी, उसके बाद वह है सर्किट के अंदर प्रवेश करके स्विच, और स्विच से फिर बैटरी के ऋण ध्रुव पर चली जाएगी। तो यह जो हमारे पास पूरी विद्युत धारा की दिशा हो गई। जैसे ही हम इस वृत्ताकार पास में स्विच को ऑन करके विद्युत धारा गुजारते हैं, तो इसके पास रखा हुआ ये चुंबकीय दिक्सूचक, इसकी जो सुई है उसमें विक्षेपण आ जाता है, जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर थी वह वहां से विचलित हो जाती है। सुई के अंदर विक्षेपण यह प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो हमारे पास वृत्ताकार पास है यह चुंबक बन चुका है, इसमें चुंबक तो आ चुका है, क्योंकि इसकी चुंबकत्व की वजह से ही यहां पर जो चुंबक के दिक सूचक है उसकी दिशा में परिवर्तन आया है। तो यहां यह निश्चित तो होता है कि किसी भी चालक तार में से जब विद्युत धारा गुजारते हैं तो वह चुंबक बन जाता है, चुंबक तो प्रदर्शित करने लगता है, जैसे एक सीधे सरल धारावाहिक चालक चुंबक तो प्रदर्शित कर रहा था। अब यहां पर चुंबक बन गया है, इसका मतलब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। उस चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां से इस चुंबकीय दिक्सूचक को हटाते हैं, और जब हम यहां से चुंबकीय दिक्सूचक को हटाते हैं तो इसकी जगह पे अब हम लेंगे लोहे का चूर्ण, जो लोहे का पाउडर होगा अर्थात लोहे का चूर्ण होगा,
उसको हम यहां पर कार्डबोर्ड पर रख देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड पे उसको बिखरा दिया है। इसके बिखराते टाइम हमें यह ध्यान रखना होगा जो आयरन फिलिंग है अर्थात लोहे का चूर्ण है वो उस वृत्ताकार पास के नजदीक होना चाहिए। आपको नजर आ रहा होगा कि जो लोहे का चूर्ण है वो वृत्ताकार पास के नजदीक रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर स्विच को ऑन करना है। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ सर्किट से विद्युत धारा गुजरने लगेगी और वह विद्युत धारा वृत्ताकार पास में भी जाएगी। जैसे ही वो वृत्ताकार पास में जाती है आयरन फिलिंग जो लोहे का चूर्ण है वो एक पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। वो पैटर्न देखो किस प्रकार का होता है। अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु पे उस पैटर्न को प्रदर्शित करना चाहूं तो वो इस तरीके से कुछ उसी प्रकार से जैसा हमारा सीधे सरल धारावाही चालक में हुआ था। सीधा सरल धारावाही चालक में एक बिंदु के चारों ओर हमने देखा था कि एक संकेंद्री वृत्त के रूप में जो आयरन फिलिंग थी वह व्यवस्थित हो गई थी। कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर इस सिरे में भी लोहे का चूर्ण विद्युत धारा गुजारने पर एक पैटर्न के अंदर व्यवस्थित हो गया है। वह पैटर्न कौन सा है, वह पैटर्न है संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त यह देखिए मैंने लिखा यहाँ पे संकेंद्री वृत्त के रूप में यहाँ पर सारे के सारे आयरन फिलिंग अर्थात लोहे के चूर्ण व्यवस्थित हो गया है। इसी प्रकार से जो इसका दूसरा सिरा है इधर अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पर भी जो लोहे का चूर्ण है वो संकेंद्री वृत्त के रूप में इकट्ठा हो गया है। ये देखिए संकेंद्री वृत्त के रूप में यहाँ पे जो लोहे का चूर्ण है वो व्यवस्थित हो गया है। यहां पर जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ करते हैं विद्युत धारा का प्रवाह बंद करते हैं इसका पैटर्न फिर से बिगड़ जाएगा। स्विच को ऑन करते हैं विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो यहाँ पर फिर से जो है जो लोहे का चूर्ण है वो एक क्रम के अंदर व्यवस्थित हो जाएगा। वह क्रम संकेंद्री वृत्त का क्रम होगा अर्थात संकेंद्री वृत्त के रूप में ये सारे के सारे जो आयरन फिलिंग है व्यवस्थित हो जाएगी। इस आयरन फिलिंग की अर्थात लोहे की चूर्ण की जो व्यवस्थित होने का जो पैटर्न है अगर मैं उसको रेखाओं से प्रदर्शित करूं तो वो इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होंगी, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो पैटर्न होगा अगर उसको रेखाओं से प्रदर्शित किया जाए, मान लो यहां पर इस बिंदु पर हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा यहां पर संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त के रूप में है। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर एक बिंदु पर उस लोहे के चुंबक के पैटर्न को देखना चाहें अर्थात वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न को देखना चाहें तो वह भी संकेंद्री वृत्त के रूप में होगा। ये देखिए और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बढ़ती चली जाएंगी और जो इस वृत्ताकार पास का केंद्र होगा वहां पर वह चुंबकीय क्षेत्र रेखा स्ट्रेट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। ठीक है, यह देखिए वृत्त संकेंद्री वृत्त के रूप में, यह देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न है वो चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न संकेंद्री वृत्त के रूप में है, कोसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में है। बहुत सारे वृत्त है जिनका केंद्र एक है, इस सिरे में भी और इधर दूसरे सिरे में भी संकेंद्री वृत्त के रूप में है। अब हमारे पास प्रश्न यह आता है कि संकेंद्री वृत्त के रूप में तो चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न है लेकिन संकेंद्री वृत्त में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी भी एक दिशा होती है, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी है इसका पता करने के लिए हम वही मैक्सवेल दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। उस नियम के अनुसार आपको बताया गया था कि राइट हैंड कंडक्टर जो चालक है वो उसको राइट हैंड में पकड़ना है, अंगूठे को खींचना है, उंगलियों को इस प्रकार उसके चारों ओर लपेटना है कि वो उंगलियों के बीच में आ जाए। अंगूठे को खींचकर हम विद्युत धारा की दिशा पता कर सकते हैं। इस नियम को मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, मैक्सवेल दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। लगाते हम यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा देख लेते हैं। पहले विद्युत धारा की दिशा
बैटरी के धन ध्रुव से चल के इस प्रकार से ए सिरे में और ए सिरे से यहां पर ऊपर की ओर है। ये देखिए मैंने विद्युत धारा की दिशा बता दी है। तो इस पॉइंट पे देखते हैं तो इस पॉइंट पे भी विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर है। आइए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाए। इस चालक तार को हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास चालक तार है, इसको मैं अपनी उंगलियों को फेंक करके इसको पकड़ता हूं और अंगूठे को ऊपर खींच देता हूं। विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर, तो उंगलियां जो फिर रही है वो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर यू आ रही है। तो इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो विद्युत धारा की दिशा है वो ऊपर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो देखिए इस प्रकार से रहेगी, ये देखिए। और इस साइड में देखते हैं तो ऊपर की ओर जाएगी। ये जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है यह है एंटी क्लॉकवाइज। क्या कौन सी दिशा बोलेंगे हम इसको? एंटी क्लॉकवाइज। अगर विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब हम जरा इधर दूसरे सिरे पर चलते हैं। दूसरे सिरे पर भी वहां पर संकेंद्री एक वृत्त बना हुआ है। अगर हम उस दिशा में पता करें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी है, फिर से मैक्सवेल का दक्षिण हस्तमोष्ठ नियम लगाते हैं। देखिए यहां पर जो विद्युत धारा है, अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो वो ऊपर से नीचे की ओर है, अर्थात विद्युत धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। तो मुझे क्या करना है, मैक्सवेल के नियम अनुसार चालक को अपने दक्षिण हस्त अर्थात राइट हैंड में पकड़ करके अंगूठे को खींचना है, पर अंगूठे की जो दिशा है विद्युत धारा की दिशा में व्यवस्थित करनी है। विद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर है, अभी मेरा अंगूठा ऊपर की ओर है, मुझे इसको नीचे की ओर करना है। ये मैंने किया, विद्युत धारा की दिशा नीचे, अंगूठा नीचे, और अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आप जो पैटर्न है, जो दिशा है वो देखते यहां पर इधर से आकर के ऐसे आ रही है, और इसको हम बोलेंगे कि ये क्लॉकवाइज है। ये देखिए जैसे घड़ी की सुई चलती है इस प्रकार से क्लॉकवाइज, उसी प्रकार से यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा या मेरी उंगलियों की जो लपेटने की दिशा है वह क्लॉकवाइज है। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी वह होगी क्लॉकवाइज। ये देखिए इस प्रकार से होगी। ये देखिए यहां से इस साइड में आएगी यू, तो ये हो गई इधर क्लॉकवाइज। तो एक सीधे सरल धारावाही चालक को यदि हम वृत्ताकार पास में परिवर्तित कर लेते हैं, ये वृत्ताकार पास बन गया अर्थात सर्कुलर वायर जिसको हम लूप कहते हैं, उसमें अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न निकालना है तो हम उसको बैटरी से स्विच से जोड़ देंगे और साथ में हम लोहे का चूर्ण लेंगे, गत्ते के अंदर उसको फिट करेंगे। फिट करके लोहे के चूर्ण को रखने के बाद उस सर्कुलर वायर के अंदर हम विद्युत धारा को गुजारेंगे। जैसे विद्युत धारा गुजरेगी लोहे का चूर्ण एक पैटर्न में व्यवस्थित हो जाएगा, उस पैटर्न को हम रेखाओं से प्रदर्शित करेंगे तो वो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ जाएंगी। उनका पैटर्न कैसा है? उनका पैटर्न है संकेंद्री वृत्त। ये आपको ध्यान रखना है, संकेंद्री वृत्त के रूप में है, और संकेंद्री वृत्त है। वृत्त की दो ही दिशा होती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसका पता लगाने के लिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हम यूज करेंगे। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अनुसार जो लेफ्ट साइड है मेरे, उसमें जो विद्युत धारा की दिशा जो है वो ऊपर की ओर जा रही है, तो नियम के अनुसार यहां पर एंटी क्लॉकवाइज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर हम दूसरे साइड में राइट हैंड साइड में चलते हैं तो वहां पर विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज होगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी वृत्ताकार पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है और कैसे निकालते हैं, क्या उसकी दिशा होती है, वो आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम जरा कुछ ऐसे कारक देखते हैं जो इसके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को प्रभावित करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से कारक है देखिए, अब हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो इस वृत्ताकार पास के चारों ओर विकसित हो गया है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। किसी भी वृत्ताकार पास में या स्ट्रेट कंडक्टर सीधे सरल धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की स्ट्रेंथ को अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को
प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला आ जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा की शक्ति कितनी है उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की शक्ति निर्भर करेगी। यदि हम यहां पर जो बैटरी है उसकी शक्ति को बढ़ा दें, अर्थात बैटरी की पावर को बढ़ा दें, बैटरी की पावर बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम जैसे ही इस परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इनकी शक्ति और बढ़ जाएगी और ये दूर तक फैल जाएगी। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाती है यदि हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए हम बी संकेत इस्तेमाल करते हैं और वो किसके समानुपाती होगा? विद्युत धारा के समानुपाती होगा। अर्थात जितना हम इसमें विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे, आई का मान बढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। यहां पर बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए लगाया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये विद्युत धारा के मान के ऊपर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा विद्युत धारा का मान उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, ठीक है, समानुपाती होगा। वृत्ताकार पास की त्रिज्या, ये हमारा दूसरा कारक है। इस कारक के अनुसार क्या है कि हमने जो वृत्ताकार पास लिया है वह वृत्ताकार पास वृत्त के आकार का होता है तो उसकी एक त्रिज्या होती है। इसके केंद्र से और इसके यहां इस वृत्त के परिधि तक की जो दूरी है वह इसकी त्रिज्या होती है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, अर्थात ये वृत्ताकार लूप कितना बड़ा है, वृत्ताकार पास की त्रिज्या है वो कितनी है। जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उतना ही कम चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होगी। तो आप इस वृत्ताकार पास की जो त्रिज्या है, अर्थात वृत्ताकार पास की त्रिज्या को बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटती चली जाएगी, और आप छोटा वृत्ताकार पास लेंगे जिसकी त्रिज्या कम होगी तो उसकी चुंबकीय शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की शक्ति है वो वृत्ताकार पास की त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। त्रिज्या को बढ़ाएंगे, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या को आप बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कम हो जाएगी, अर्थात वृत्त को आप जितना बड़ा करोगे चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कम रहेगी। वृत्त की त्रिज्या को आप जितना कम करेंगे, यहां पर वृत्ताकार जो पास है उसकी त्रिज्या को आप जितना कम करेंगे अर्थात उसका जितना छोटा आकार लेंगे उसकी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति वृत्ताकार पास की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और तीसरा हमारे पास आता है जो वृत्ताकार पास है उनकी संख्या। यहां पर हमने एक धारावाही चालक को एक वृत्ताकार पास में बदला है और ऐसे वृत्ताकार पास हम कई ले ले, यहां पर एक लिया हुआ है, मैं इसके साथ एक और वृत्ताकार पास ले लेता हूं। देखिए ये मैंने एक और ले लिया है तो अब इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होगी वो बढ़ जाएगी। आप जितने ज्यादा यहां पर वृत्ताकार पास लेंगे फेरों की संख्या को बढ़ाएंगे, टर्न्स को बढ़ाएंगे। टर्न्स मतलब ये एक दो, दो टर्न हो गई, दो यहां पर फेरे हो गए, तीन करेंगे तो और ज्यादा शक्ति हो जाएगी, चार करेंगे तो और ज्यादा शक्ति हो जाएगी। इसका मतलब है फेरों की संख्या, फेरों का मतलब है यहां पे टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, फेरों की संख्या कितनी है उसके ऊपर निर्भर करेगा। और फेरों की संख्या को हम यहां पर n से प्रदर्शित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है वो n के समानुपाती होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये तीन कारक हमारे जो प्रमुख हैं, नंबर एक चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति विद्युत धारा के समानुपाती होती है, नंबर दो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति वृत्ताकार पास की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, नंबर तीन चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति फेरों की संख्या के समानुपाती होती है। जितने ज्यादा आप फेरों की संख्या रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, उतने ही ज्यादा आपकी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होगी। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को टेस्ला में मापा जाता है। टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को निकालने में अपना योगदान दिया। यहां पर ये कुछ ऐसे कारक थे जो हमारे वृत्ताकार पास में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को घटाने और बढ़ाने में सहायता करते हैं।
एक बात मैं यहाँ पे आपको और जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे ही हम वृत्ताकार पास में विद्युत धारा गुजारते हैं चुंबक बन जाता है, और आप सब जानते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव। तो इसका ध्रुव कहाँ है, उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है, हमें नहीं पता, लेकिन आप इसका पता कर सकते हैं। किस प्रकार से आप एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, स्वतंत्र पूर्वक लटकाया गया चुंबक, इसके पास ले जाइए, स्विच को ऑन कर लीजिए, ये मैग्नेट बन जाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया हुआ मैग्नेट इसके पास ले जाइए, एक बार इस साइड से ले जाइए, एक बार घुमा करके पीछे की साइड से लाइए, और देखिए कि आपके पास जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया हुआ चुंबक है वह किस दिशा में विक्षेपित होता है। सामने पर लाने पर उसका उत्तरी ध्रुव अगर दूर भाग रहा है तो इसका सामने वाला जो सिरा है, फेस है, वो उत्तर ध्रुव का कार्य कर रहा है, और पीछे ले जाने पर अगर उत्तर ध्रुव दूर भाग रहा है तो पीछे वाला सिरा उत्तरी ध्रुव है। तो इस प्रकार से इसके दोनों ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें दो ध्रुव जो होंगे, एक आगे के फेस की साइड होगा, एक पीछे के फेस की साइड होगा। तो इस प्रकार से इसमें भी दो ही ध्रुव होंगे, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जिसका आप पता कर सकते हैं। आपने अपने लैब में भी देखा होगा एक सर्कुलर मैग्नेट होता है, पहिए के जैसा दिखाई देता है, आप उसमें उसके ध्रुवों का अगर निर्धारण करेंगे तो इसी प्रकार चुंबक उसके पास ले जाइए, वहां पर भी आपको दिखेगा कि उसका एक फेस जो है वो उत्तरी ध्रुव का कार्य कर रहा है, दूसरा फेस दक्षिण ध्रुव का। तो ये भी उसी प्रकार से जो जो हमारे पास सर्कुलर मैग्नेट होता है उसी प्रकार से उस मैग्नेट की तरह कार्य करेगा।